नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ कृष्णा, जॉर्नी गाइडिंग चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जिनके वजह में एक और दिखे पीपल का पेड़ पतझड़ के बाद इतनी हरियाली लेके आ चुका है, और ये है यहीं पे मेरा गार्डन, टेरेस गार्डन, जिसका एक ओवरव्यू मैं देना चाहूँगी। सब किचन वेस्ट में भरे पौधों से, बीजों से, किचन वेस्ट से ये पौधे निकले हैं टमाटर के। टमाटर के पौधे मैंने कोई भी ख़रीदा नहीं है, तो यहीं पर देखिए ये गेंदा, ये अपने आप से हो आया है, कोई बीज पड़ गया होगा। ये मैंने मिर्च लगाई थी तो हो तो रही हैं, मगर मिली बग्स जो है बिल्कुल भी कुछ रहने नहीं दे रहे हैं। यहाँ पर भी देखिए लौकी वगैरह लगाई है, मगर इनमें भी मिली बग्स का काफ़ी अटैक हो गया। ये पौधा तो देखिए कैसे मुरझा गया है, और इसमें न जाने कितने मिली बग्स लग गए हैं। इसको मैंने 1.5 महीने पहले इसको मैंने खाद वाद दे के तैयार किया था, और अब इसकी ग्रोथ काफ़ी अच्छी हो रही है। और अब मैंने अभी 2 दिन पहले इसमें एक किचन वेस्ट का फर्टिलाइज़र भिगा के 3-4 दिन भीग के और उसका पानी दिया है। इन सब चीज़ों से भी काफ़ी ग्रोथ इनमें हो जाती है। ये गेंदा अपने आप से निकला हुआ है, और देखिए सब टमाटर तो इतने हो रहे हैं, सब बिना बोए, यानी कि किचन वेस्ट भर भर के जो मैंने अपने गमले तैयार किए हैं, तो उनमें ये टमाटर की ग्रोथ देखिए। अब मैं शाम को उनको तोड़ूंगी, और उसके बाद थोड़ी थोड़ी खाद भी मैं इसमें देती जाऊंगी। जब भी हम हार्वेस्टिंग करते हैं तो पौधों को कुछ ना कुछ खुराक ज़रूर देनी चाहिए। तो ये देखिए बैंगन तो मैंने लगाए थे और अच्छे हो रहे हैं, अगर ये बंदरों से बच पाए। ये पुदीना देखिए मैंने 1.5 महीने पहले कटिंग से लगाया था, और अच्छी ग्रोथ है। जितना मैं इसको पेंच करती जाऊँगी इस तरह से, तो उस तरह से उतना ही और फैलता जाएगा। और बिल्कुल ऑर्गेनिक पुदीना घर का लगा हुआ है, गोबर खाद से और किचन वेस्ट। तो अब इसकी खुशबू, इसकी चटनी और इसके गुण जो हैं वो दुगने तिगने हो जाएंगे, क्योंकि हमें ऑर्गेनिक मिल रहा है। ये देखिए अनार कटिंग से लगा, अनार है, पिछले 2 साल से मुझे फ्रूटिंग दे रहा है। भले मुझे कम मिल रही है, क्योंकि बंदर भी इसमें अपना आधा भाग ले जाते हैं। ये देखिए फ्लावरिंग भी जगह जगह है, तो कटिंग्स लगे अनार में फ्रूटिंग होना बड़ी बात है। छोटी छोटी कटिंग में लेके आई थी, और जिस पेड़ में लाई हूँ वो भी अनार से समय लगा हुआ है पौधा पेड़। ये देखिए फ्लावरिंग फ्रूटिंग, वो एक फ्रूट बन रहा है, और सब टोटल ऑर्गेनिक। ये देखिए राख रखी हुई है, जब भी मुझे ज़रूरत होती है तो मैं इसका इस्तेमाल कर लेती हूँ। ये गुड़हल में लाई थी, पिंक कलर का गुड़हल, बहुत सुंदर इसका कलर हो रहा है, ये देखें। और एक नींबू का बीज अपने आप पड़ गया था, कितना सुंदर पौधा ये बन गया है, जिसे मैंने एक बड़ा पॉट दिया है, और देखते हैं फ्लावरिंग करता है या नहीं। जैसे लोग कहते हैं कि ग्राफ्टेड ही पौधे में फ्रूट्स लगते हैं, तो मैं देखती हूँ। हालाँकि मैं इसकी केयर खूब कर रही हूँ, 15-15 दिन में मैं इसमें फर्टिलाइज़र घर के ही बने फर्टिलाइज़र देती जा रही हूँ। देखिए लौकी का पौधा मैंने लगाया, तो कहीं है, मुझे पता है कि मैं ज़्यादा केयर कर नहीं पाऊँगी, तो मैंने कई पौधे लगाए हैं। अब शाम को मैं स्प्रे बॉटल से, सोपी वाटर से इनको धोऊंगी। टमाटर देखिए जो मैंने इधर दिखाए थे, यहाँ भी देखिए कितने बड़े साइज़ का टमाटर लगा हुआ है, एकदम लाल रंग। ऐसे ही देखिए साइड में टमाटर यहाँ से दिख रहे होंगे, ये देखिए। और खाने में एकदम मीठे होते हैं, इनका टेस्ट बहुत ही अद्भुत है। इसी तरह से ये देखिए मैंने पिछले हफ्ते इनको धोया था, और ये देखिए फिर मिली बग्स। तो ऑर्गेनिक गार्डनिंग में हमें ये दिक्कत तो आती ही है दोस्तों, मगर करें क्या, मेहनत तो। अगर हम इसमें केमिकल डाल देंगे तो उसको फिर खाना, हम चाहे बाजार से ख़रीदें, फिर क्या ज़रूरत है फिर ये ऑर्गेनिक करने की। हो रहे हैं, बस मैं ध्यान ये रख रही हूँ कि इसकी पौधों की इम्यूनिटी बनी रहे, तो उनको 15-15 दिन में खुराक ज़रूर दे रही हूँ,
अगर मिलीबग लग भी जा रहे हैं तो पौधे काफ़ी बच जाएंगे अगर पौधे की इम्यूनिटी सही है। हालांकि पौधों को मैं धोऊंगी। ये एक रसभरी का पौधा देखिए, इसमें मुझे रसभरी मिल रही है। ये भी घर से ही लगा पौधा है, ये देखिए रसभरी। इसको मैं तोड़ ले रही हूँ क्योंकि हमारे यहाँ मोरों ने भी बहुत आतंक मचाया। दोस्तों बंदर तो सभी लोग सभी जगह आ रहे हैं, मगर मेरे यहाँ मोर भी बहुत आते हैं, जिसकी वजह से ये मेरी कई पौध मेरी जो इसकी लौकी की पौध खा चुके हैं। देखिए यहाँ मैं आपको दिखाती हूँ, ये मैंने यहाँ पर बाड़ा से लगा रखा है। ये बहुत अच्छे पौधे हो रखे थे लेकिन इसको उसने खा डाला मोर ने। ये देखिए, तो मोरों से बचाना ही मेरे लिए बड़ा ही स्ट्रगल का काम हो रखा है। ये एक मिर्च का पौधा है, इसमें कल ही मैंने पालक का फर्टिलाइज़र डाला है, पालक भिगा के 3-4 दिन, क्योंकि ये थोड़ा सा इसमें मुझे आयरन की कमी लग रही है। तो मैं इस मिर्च को तोड़ लेती हूँ। इतनी बड़ी साइज़ का छोटा सा पौधा है, छोटे से पॉट में लगा है, गलती मेरी है। मैंने इसको पौधा अभी स्प्रिंग सीजन में बड़ा पॉट नहीं दे पाई। इस टमाटर को भी हार्वेस्ट कर लें। ये देखिए टोटल ऑर्गन। तो कई लोग कहते हैं कि एक टमाटर से आपका क्या भला होगा, भला तो नहीं होगा दोस्तों, लेकिन हमें एक प्रेरणा मिलती है कि हम लगा सकते हैं, मेहनत करने पे हम थोड़ा सा लगा सकते हैं और ज़्यादा मात्रा में भी। और इसका टेस्ट जब हमने ले लिया है तो हम मजबूर हो जाते हैं और अपनी गार्डनिंग करने के लिए। ये भी एक मिर्च तैयार हो रही है, बीज से ही लगा हुआ है। और यहाँ पर देखिए ये जो ऑरेंज कलर का एक पौधा लाई थी, मैं कटिंग लगा लगा के मैंने इनको कई पौधे में तब्दील कर दिया है। ये गोरी चोरी तो नहीं, दूसरा कोई पौधा कहते हैं इसको, मुझे नाम इस समय याद नहीं आ रहा। बहुत बेलनुमा है ये, बहुत सुंदर येलो कलर के फ्लावर्स इसमें आ रहे हैं। ये बीज से लगा कनेर फ्लावरिंग पे है। ये देखिए मीठी नीम का पौधा, कहते हैं कि ये गमले में लगता नहीं है, हमारे पड़ोसी कह रहे थे कि पत्तियाँ उसमें आती नहीं। तो देखिए इसमें छोटा सा पौधा है, कितनी पत्तियाँ आ रही हैं। केयर करने पर होता है दोस्तों, बस जितनी हम केयर करेंगे उतना हमको यील्ड मिलेगी। ये देखिए मैंने कपड़े से ढका रखा है इसको मोरों के चक्कर में। ये देखिए सब खा गए थे। और इसमें भी देखिए मिली बग्स। तो शाम को मुझे अब सोपी वाटर से मैं इनको साफ करूँगी। ये देखिए जगह जगह लग गए हैं, तो इस तरह से कैसे पौधे पनप पाएंगे। तो देखभाल भी बहुत ज़रूरी है। तो जैसे अगर आपने पौधे लगा लिए हैं तो नीम ऑयल, सोपी वाटर, इसका छिड़काव हमें बराबर करते रहना चाहिए। और दोस्तों आपने क्या क्या लगाया है अपने गार्डन में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में, और मैं अपने समस्त सब्सक्राइबर्स का, व्यूअर्स का दिल से धन्यवाद करते हैं जो मुझे लाइक, मेरे वीडियोस को लाइक करते हैं, व्यू करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं। तो दिल से उनका आभार। मिलते हैं दोस्तों किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए हैव ए नाइस डे।